कि आपके BMX प्लेयर में ये एरर आ रहा है, आपकी वो कोडेड फाइल वर्क नहीं कर रही है। आपने बहुत सारी वेबसाइट से कोडेड फाइल डाउनलोड करके ट्राई किया, बट हर बार सेम एरर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो कोड आपके 100% वर्क कर जाएगा और आपकी उस मूवी में साउंड आनी लग जाएगी। तो चलिए आइए डायरेक्ट आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और अब आप यहाँ पे सर्च करेंगे EAC3 कोड्स फॉर MX प्लेयर 1.86.0। तो ये लिख के जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी। तो ये वाली वेबसाइट आपको यहाँ पे ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डाउनलोड के चार ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें से आपको यहाँ पे 1.86.0 ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आपने यहाँ पे 1.49.0 ये वाला वर्जन डाउनलोड किया तो आपके सामने वही सेम एरर आ जाएगा। अब तक आप इसी वर्जन को डाउनलोड कर रहे हो जिस वजह से आपको ये एरर आ रहा था, तो आपको लेटेस्ट कोड डाउनलोड करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आपको इसे मिरर लिंक के थ्रू यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कोड आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। ओके, डाउनलोड होने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देना है। तो अभी आपको इसे किसी भी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे MX प्लेयर ओपन करेंगे, लेकिन अगर MX प्लेयर बैकग्राउंड में पहले से ओपन है तो उसे आपको कट कर देना है। अब आप यहाँ पे MX प्लेयर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये फ्लैश आ जाएगा। अगर ये फ्लैश ना आए तो डायरेक्ट सिंपल सा तरीका बताता हूँ, MX प्लेयर को डिलीट कर दीजिएगा। इसके बाद आप दोबारा से इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपको ये फ्लैश मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, देन दोबारा से ओके पे क्लिक कीजिए, तो अब आपका MX प्लेयर यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब आप दोबारा से MX प्लेयर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे अब आपके सामने यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा, जबकि ऐसे केस में वो एरर यहाँ पे बार बार आ जाता था, लेकिन अब आपके सामने वो एरर नहीं आएगा। अब आपको जिस भी मूवी में साउंड नहीं आ रही थी आप उस मूवी को प्ले करके देख सकती हैं, आपको उसमें साउंड आनी लग जाएगी, ठीक है।